टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। Welcome to the Mazedar Show with Adi and Faizan Season 2. उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से द कराची बॉयज। कैसे भाई लोग, सब ठीक ठाक, मजे में, वेरी गुड। और उनके साथ साथ मौजूद है काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे बेटर हाफ की, मेरे फेटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदि हम जय। काम चल रहा है हमारा, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। आपको तो पता ही है क्योंकि मैं और फैजान उसमें साथ है और उसकी एक्साइटमेंट है, उससे ज्यादा टेंशन है। एक्साइटमेंट तुम्हें कोई नहीं है, बताना तो ये पड़ता है ना कि और इसको मैंने इतना नर्वस कभी नहीं देखा। मैं इसके साथ 8-9 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ, थिएटर भी हमने किया है साथ। थिएटर में भी हमने कुछ चीजें देखी हैं, ऊंच नीच उतर जाती है, कभी ऑडियंस ज्यादा होते हैं, कभी ऑडियंस बहुत कम होती है, लेकिन आपको उसी एनर्जी से परफॉर्म करना होता है। उसमें भी ये भाई घबराते नहीं है, हमने बाहर जाके भी परफॉर्मेंस की, इंटरनेशनली भी। लेकिन इस आदमी को मैंने इतना नर्वस अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना मैंने अभी पिछले 2-3 दिनों में देखा है। कोई बात नहीं, बट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। हाँ होना चाहिए। और मुझे लगता है जब आपको किसी चीज से ऐसे जुड़े हुए होते हैं आप, तो आपको खुद ही टेंशन होती है। जिस तरह माँ बाप जो होते हैं उनका बच्चा, जैसे भी उनको अपने बच्चे के लिए परेशानी होती है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो और जितना पुराना हो जाए, नया हो जाए, जो भी हो जाए, हमेशा ऐसी ही टेंशन है। अभी बात करते हुए दिल घबरा रहा है। मुझे ये टेंशन हो रही है कि हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो इस चैनल का नहीं है। हाँ तो क्या हो गया इसमें, कैसे हो पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि सुबह में बट गए, चैनल भी वही वाली हरकतें ना करें, सब मिलजुल। मैं कहता हूँ बहुत ही इंसान फजूल बात की आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आज की जो हमारी गेस्ट हैं, चलो शुक्र है हमारी भी, वरना हमारा कर करके अजीब से। एक आदमी इतना खुश होता है जब पता चलता है कि कोई दोशीजा आई है, आदि भाई खुश हो जाते हैं यार। अच्छी बात, आदि का इंटरेस्ट बड़ा हो जाता है शो के अंदर। काशी भाई आप मुझे बताएं, हाँ आप कभी किसी लड़की को देखते हैं? वैसे तो काशी भाई का बनता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर लड़कियों की उल्टी निकल हो जाती है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। काशी भाई अगर आप अपना फनकारी करना बंद करें, मुझे बताएं अगर कोई लड़की को देखते हैं तो खुशी होती है ना? बहुत खुशी होती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना? क्या बदतमीजी है, बहुत खुशी होती है। तो क्या मतलब भाई, हम नॉर्मल लड़के सब काम कर रहा है हमारा। अच्छा भाई ठीक है, आदि भाई बहुत खुश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की हमारी गेस्ट के बारे में, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ही बारीक काम करती है मुझे ऐसा लगता है। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि अपना काम बहुत सीरियस लेते हैं और जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं और वो स्क्रीन पे नजर आ जाता है। अच्छा, और ना सिर्फ एक्टिंग करती हैं बल्कि अब बहुत जबरदस्त और बहुत जल्द आप उनको डायरेक्शन करते हुए देखेंगे। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रही हैं, उस सेट से थक हार कर काम कंप्लीट करके हमारे पास आई हैं। जब हमने कहा यार आप तो थकी, उन्होंने कहा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कैमरा रोल करें फिर आप देखें। तो मुझे लग रहा है आपको मैं एक बात बताऊं कि वो खाली एक्टिंग, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग और ये वो करते करते जिंदगी में बस एक काम उनका रह गया था, जिसको कहते लोग कहते चलो तुम्हारे पे ये काम नहीं, अब वो अपना बच्चा भी संभाल। माशाल्लाह से आप देखें तो इनको हम बुलाएंगे, बावजूद हाँ घर के पोछे लगा के, सेट पे लोगों को सुना के, काम करा के, एडिट करा के वो खातून मौजूद है। वेरी गुड, तो आइए उनको बुलाते हैं, उनको थोड़ा सा तंग करते हैं। आपकी बहुत सारी तारियों में यासरा रिजवे। हेलो शो, आइए आइए बैठिए बैठिए। एक सेकंड बताइए, डायरेक्टर साहब कह रही कुछ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ बैठेगी आप, यहाँ बैठ जाए। आपकी कौन सी साइड अच्छी आती है? जल्दी बताएं,
जल्दी बताएं आप, हम तो अमान तो गोल है हर साइड से, आप अपना साइड सेलेक्ट करें। आई थिंक ये यहीं से अच्छी आ रही है यार। मैंने कहा शायद हमें यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। नहीं 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 ऐसे कैसे, कोई बात सिर्फ दो अब तक ऐसे और गद्दिया रख ली फॉरन नीचे अंदर चला जाता। असल में मसला ये है कि ये रिपेयर हुआ है, गद्दी ना रखे तो सोफे का हिस्सा बन जाता। तो बेसिकली सारे पैसे तुम लोगों ने अपने गाने पे लगा दिए, ना माइकों के पैसे ना लग रहा था सोफों के पैसे। एक लड़का आया था कह रहा था इंटर्नशिप करनी है, गाना बनवा यार। आपको डायरेक्टर है, आपको तो देख के बंदा था। देखो एडिट उडिट पे लग रहा था गेम शेम को, तो ठीक है ये गेम हमने एडिट वाले ने एडिट इसलिए किया उसके पिछले पैसे फंसे में उसने हमारा कहा। कैसी हैं आप, क्या हालचाल है, ठीक ठाक है? हाल यार ये मेकअप दिखाओ पहले मुझे। अरे बहुत अच्छी लग रही है आप, बेफिक्र हो जाएं। वाह ऐसा लग रहा है यहाँ से आदेश भी आएगी। नहीं दिल में उम्मीद है अब। नहीं नहीं बिल्कुल ना उम्मीद नहीं है, दिल ना उम्मीद तो नहीं है। वेरी गुड। अच्छा पता है कैसी है आप, बताए ना जवाब दिए ना करेंगे यार। यार वो बस सब मेरा कुछ मसा मसा दो महीने का बच्चा है, सेट से मैं आई हूँ। सही तो उसने मेरा हाल बयान कर दिया। हाँ। मैं और क्या कर, मतलब नहीं, तो ये किसी ने गन पॉइंट पे करवाया था आपसे, क्या मतलब है? आपने अपनी मर्जी से किया है सब कुछ यार। अच्छा, अब मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ गन पॉइंट पे हो रहा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस शो पे ना, कमेंट में लिखा है शी इज अ ड्रंक। तो मैं तो मेरे पे इल्जाम है ना कि नहीं, मैं तो पता नहीं मैंने हर वक्त नशा किया हुआ। अच्छा इल्जाम है आप पे? हाँ ना। हाँ, ये तो हम सब पे है। अच्छा, हर वक्त हम सब पे। तुम लोगों पे किस बात पे? मेरी तो फिर नशीली आंखें हैं तुम्हारे पास क्या? वाह जी वाह, खुद ही क्या है, खुद ही कॉम्प्लीमेंट। तुम लोगों पे मेरी तो फिर नशीली आंखें हैं। क्या भाई नशीला, मेरा कुछ नशीला नहीं है। अच्छा मेरा ये मेरा सही लिख देते वो। नहीं नहीं ये हमारे में एक पता नहीं क्यों लोग ये अजम्पशन है कि भाई टीवी पे आते हैं तो ये यकीनन कुछ ना कुछ तो करते ही करते होंगे ना, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने कहा हम भाई ये तो अब इनको हमारे सेटअप पे आना चाहिए, इनको पता चल जाए हमारे क्या हाल हो रहे हैं, क्या करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा तो ये जो अभी मैं डायरेक्ट अभी पुरानी बातें नहीं करते, नई बात से शुरू करते हैं। ये जो डायरेक्शन का मामला आपने शुरू कर दिया अपने साथ, यार डायरेक्शन का मामला भी पुराना है, थिएटर था पहले और टेलीविजन पे। There was a show called Bajir Shad and then Bobo ki beti, isko bhi ab arsa koi 4-5 saal ho chuke hain. Haan, lekin usko continue baqaida nahi karti rahi na. Phir main apna hi sara paisa leke apni film banane chali gayi na. Pagal ho gayi bilkul, maine kaha aur grow karenge. Jo ki phir to phir kya hua? फिर नई हुकूमत आ गई, फिर क्रोने आ गए, फिर जेल में बंद हो गए, क्रोने आ गए, तीन छोटे छोटे बच्चे थे क्रोने में। फिर बस ये तब मतलब सिनेमा के तबूत में जो आखिरी कीने थी वो ठुक ठुक चुकी हैं। तो बात फिर ये हो गया। अच्छा तो फिल्म की क्या रिपोर्ट है वैसे? रिपोर्ट क्या है, वो पड़ी हुई हार्ड ड्राइवों में। कैसी लगती है, एडिट वेडिट कर दी आपने? यार हार्ड ड्राइव में तो बहुत अच्छी लग रही है, मुकम्मल नहीं हुई ना, उसमें सारे सीक्वेंस ऐसे बचे जिसमें 250 बंदा चाहिए, 300 बंदा चाहिए, कहां इकट्ठा करूं, पर्चे कट जाएंगे। हाँ ये बात सही है। अच्छा तो अभी उसमें काम बाकी है, लेकिन आपने बस वो हिम्मत तो नहीं हारी ना ही है, हिम्मत तो नहीं हारी ना आपने, कंप्लीट तो होगी। निकल गए और इतने काम कर रहे हैं वो तो भी बस है, तो हार्ड ड्राइव में सेव है। बच्चों के कद बड़े हो गए, 6 दिन की कहानी थी। हाँ तो सही है ना, अब क्या करूं, कैसे करें फिजिकल कंटिन्यूटी। आप स्पॉन्सर ले लें, जो कद बढ़ाने वाले होते हैं ना उनका स्पॉन्सर ले लें बीच में। यार अच्छे काम को कोई स्पॉन्सर नहीं करना चाहता यहाँ पे। देखे सच बोले, सच बोले, लेकिन होने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि अच्छा नहीं कि अगर ये मुनासिब काम है तो आपने यहाँ काम करना है, इससे ज्यादा नहीं, एक इंच भी काम होगा ना। बिल्कुल। आपने किया कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई, अच्छा काम कैसे कर रहे हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं। अच्छा सवाल ये है कि फिल्म आपने बनाई, पैसा किसका लगाया? अपना सारे गुल्लक तोड़ दिए, आप किराया दे पा रही हैं? नहीं तो मैं जब आई थी वापस शूट का स्पेल करके तो हमारे पास किराया नहीं था। ओके हम इविक्ट हो सकते थे, मैं और मेरा मियाँ। खाली आपके पास हार्ड ड्राइव थी, एजेंसी में नौकरी ढूंढी फौरन। अच्छा बस फिर अल्लाह ने उसकी दुकान अच्छी चला दी तो अभी 5-10 मिनट में थोड़ा ब्रीदर ले लें, 5 मिनट की खामोशी चाहिए, इनहेल एक्सहेल करेंगे सब। मुझे लगता है मैंने एक ही टाइम पे एक्सहेल इनहेल सब कर दिया। एक ये होता है एक सेगमेंट में 4 कर देना। अच्छा काशी भाई इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, चुपकली लग रहे गलत बात है तुम्हारी, वैसे ना डांट पड़ती है। ये बॉडी इमेज पे जोक्स करते हुए तुम्हें तो बहुत शर्म आनी चाहिए ना आदि। नहीं नहीं आती, नहीं नहीं मैं उनकी शर्ट पे कह रहा हूँ, बॉडी पे कैसे, बॉडी से तो वो जो शर्ट से कुछ बना हुआ है लिजर्ड नहीं, नहीं, नहीं बना बने कलर खाल नजर आ रही अंदर से, लेकिन कुछ पैटर्न भी वैसा है ये। अरे भाई छोड़ दे काशी भाई को आप लोग यार सारी, क्या मसला है आप लोगों के साथ? नहीं नहीं मुझे बात में कुछ सदाकत नजर आई। अच्छा बताएं किसने
इम्प्रेस किया, किसने आपको ये कहा कि जी एक्टिंग करें? मुझे तो डिप्रेस ही कर रहे हैं लोग आजकल, इम्प्रेस तो पता नहीं कौन किसे करता है। ओ भाई ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। अच्छा नहीं बताया होगा ना कहाँ से मामला शुरू हुआ, किस दिन? एक दिन वन फाइन डे आप उठी मुझे एक्टिंग करनी है, तो ये तुम लोगों ने मुझसे ये सवाल करने खाली ये दरवाजा बाहर निकला था नहीं लिखा हुआ ये अभी हमें हमारे शो से निकाल रही मुझे तो ये हमारे शो से लोग इनको इनको ये क्यों मजा आ रही है? देखें ये जरूरी होता है क्या क्या आपने कब कैरियर का आगाज किया? हाँ, इस तरह पूछो ना फिर ये पूरा सवाल। भाई फिर लोग कहते हैं आप समीना आपा की कॉपी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, मैं आपसे अचानक पूछूं कभी दरख्त से कूदे हो अच्छा लगेगा नहीं तो वो डेप्थ कहाँ से लाओगे तुम? नहीं है ना नहीं है ना डेप्थ नहीं है, बहुत शैलो चल रहे हैं। कहाँ से शुरू किया काम? यार बहुत जमाना हो गया मुझे तो। क्या मतलब गुड 13-14 इयर्स नाउ स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर इस्लामाबाद और फिर यहाँ आई तो बस वो टेलीविजन का एक कैरेक्टर किया तो फिर यहाँ आई। ये वाला सवाल है कि थिएटर से क्या सूझा, मैं टीवी पे काम करूंगी, किसी ने बोला, किसी ने कास्ट कर लिया? इधर नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब देने का। मैंने इतनी जगह इस सवाल का जवाब दिया मेरा दिल तंग पड़ गया। तो हम क्या पैसे कम दे रहे हैं? हम जवाब दे दिया तो सबको बता दिए तो फिर ये आपकी आप ही भी साथ हंस रही है। मैंने नेगोशिएट ही नहीं किए यहाँ पे। अंजुम बताए अंजुम टोपी लेके घूम रही थी मैंने कहा ओके 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 अच्छा कुछ अगला कसम आज मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मुझे बस ये बता दे कि आपने निस्वार कौन सी लगाई है ये मसला हल हो जाए। ये निस्वार से थोड़ी होता है। चलें ये बात खत्म कर देते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ। कहां से काम शुरू किया? अच्छा नहीं ये छोड़े, एज ए डायरेक्टर अब बताएं, एक्टिंग वाली बात कट कर देते हैं, जानते ही नहीं हो आप। खत्म खत्म फिनिश ठीक है ओवर। जब आप खुद एक डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से। हाँ। और आपने थिएटर भी डायरेक्ट किए, अब आप टीवी भी कर रहे हैं। ब्लेड मार दो डायरेक्टर तो जब कोई और सेट से आ रही जब कोई और डायरेक्ट कर रहा होता है। हाँ। तो कैसा फील होता है? मान लेती है बात या कहती है नहीं यार यार मेरे बहुत मेरा दिमाग खराब है, मुझे अजीब अजीब सी बातें लग जाती हैं, अजीब अजीब चीजों से मैं चिढ़ जाती हूँ। डायरेक्टरों के साथ भी वो अक्सर मेरे साथ कुछ अच्छा ही कॉम्प्रोमाइज सा करके चल लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैं क्या यही वजह है कि आप कम काम करती हैं? मुझे कोई इतने फोने भी नहीं करते ना लोग नहीं करते नहीं आती। जैसे भी आपने बहुत जबरदस्त प्ले किया दिल ना उम्मीद तो नहीं है। हाँ वो बस उनका उनका क्या इतना पता नहीं था ना, वो लाहौर में रहते हैं वो लोग तो खबरें नहीं पहुंची। नहीं एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था उसमें, बड़ी अच्छी कहानी थी। तो क्या काशिम निसार से आप एग्री करती थी हर चीज पे या डिस्कशन होती थी कि यार ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे? यार वो उन्होंने मुझे किसी चीज से मना नहीं किया, मैं कर ही जाती थी और उन्होंने मुझे मैं उन्हीं का तो कर रही हूँ अभी, डायरेक्शन उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से कर रही हूँ। अच्छा तो कुछ तो समझ आई। मुझे लगता है आपने उसमें भी डायरेक्शन की होगी तो उन्होंने कहा था भाई तुम ये डायरेक्शन कर लो, ये लो ये तुम अपना कर लो, ये तुम अपना कर लो। हां उन्होंने मुझे अपना करने दो, मुझे कास्ट नहीं किया फिर से उन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके साथ शो करें आपके लिए दुआ करें हालात बहुत खराब है कोई बात। अच्छा तो जब एक तो कॉकपिट में बिठा दिया तुम लोगों ने मुझे, ये क्या है ये क्या है भाई, क्या मसाइल है, क्या ये कॉकपिट में मुझे भाई जरूरी है। देखें ऑडियो लेवल सबके बराबर होते हैं, अगर आपको दूसरा माइक दिया तो ऑडियो लेवल का मसला हो जाएगा, डायरेक्टर साहब समझें फिर सिंक करते रहेंगे, एडीआर के लिए बुलाएंगे शो के लिए आपको। सही है बस ठीक है बस जो भी है। हां तो बताएं ना फिर जब काशी भाई ने कहा कि अब आप मेरा एक दिया हुआ प्रोजेक्ट आप डायरेक्ट करें। हां तो आप कर रही हूं ना? अरे तो कर माशाल्लाह लड़की काफी खुश नहीं है। और भाई क्या सीन है तुम बताओ कहाँ से शुरू किया क्योंकि ये तो जवाब ही नहीं दे रही तुम बताओ कहाँ से शुरू किया भाई क्या आपने देखा है स्क्रिप्ट अच्छी लगी काशी भाई? हाँ स्क्रिप्ट मैंने उनके साथ बैठ के खुद हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। okay, बीगुल ने फिर लिखा है स्क्रिप्ट। अच्छा, बीगुल ने लिखी है? यस यस। यार आप इतना इजी ले रही हैं, आपने मुझे जो इजी लिया हुआ है। कहाँ इजी लिया हुआ है? मैं तो आपको क्या लगा था क्या लगा था आपको मैं लंबे लंबे जवाब के सवाल पूछ रहा हूँ उसको छोड़ूंगा। नहीं 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 अच्छा डायरेक्शन में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है छह खवातीन है कैट फाइट भी थोड़ी सी है। देखा मैं मार ही नहीं सकता मजेदार किस्म की। लेकिन आपने हमें एंडोर्स किया ना भी मजेदार बोल के जानबूझ के। निजी चैनल के लिए या वेब के लिए? निजी चैनल के लिए। निजी चैनल वर्किंग विमेन नाम क्या होता है? निजी
निजी प्राइवेट प्राइवेट अरे नहीं पता ना अभी खेलते ओ सॉरी 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 मुझे आप कर लो शो आप कर लो हम बैठे आप जो अपना लाइयो ना पहले वो परफॉर्म कर दो फिर हम अपना परफॉर्म करके मिक्स कर लेंगे हम जोड़ लेंगे बाद में हम जोड़ लेंगे पोस्ट में हो जाएगा एक जुमला आपका एक जुमला हमारा एक पोस्ट में हो जाएगा ये डायरेक्टर का सबसे बड़ा मसला होता है जो चीज ये पोस्ट में कर लेंगे अरे भाई कैसे कर लोगे अच्छा तो किसी एक्टर ने तंग किया आपको या कर रहा हो या आज उसने आपका दिमाग शार्ट किया हो नहीं नहीं दिमाग शार्ट यार मेरा ना दिमाग शार्ट एक्टर नहीं कर रहे हमारे साथ क्या हो रहा है कि जब से अभी मैं स्पेशली शूट पे वापस आई हूँ फैक्ट्री में शूट कर रहे गए वहाँ फड्डा हो गया सड़क पे शूट कर रहे हैं वहाँ लोग आ गए जो आपको पता है कौन लोग आते हैं ठीक है वो आ गए फिर एक और अभी आज एक बिल्डिंग में शूट कर रहे थे वहाँ बिल्डिंग वाले मतलब आप एक्सेप्ट कर लेना कि मनहूस है सीन पूरे करके आते हैं सीन पूरे हो रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये अब लगने लगा है कि जैसे जहाँ आप काम करने खड़े होते हैं उनको नजर आ रहा है शक्लें खराब हुई हुई है सबकी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है मतलब एक हलकान है लोग बट यहाँ आई थिंक कोई किसी को काम करते हुए देख के कुछ नहीं खुश होते बिल्कुल वो कहते पख डालो यहाँ खराब करो कुछ वक्त कोई क्यों किया काम तुमने तो ऐसा हो रहा है कि शूट के दौरान लोग आ रहे हैं अपना 250-500 लेने के लिए क्या अगर शूट करनी है हाँ ना हो रहा है उन लोगों की बात करनी है तो नाम लेने क्या अच्छा अच्छा शुक्र है क्या छोड़ो एमी अब बच्चा है मेरा एमी पुलिस का नाम बुजदिल हो जाता है इंसान औलाद के बाद ओ गहरी बात की है गैस वाली कोई कोल्ड ड्रिंक पिला तो मैं अगर तुम लोगों को मुसलसल देखती रहूंगी तो मेरा कोई फ्रंटल शॉट बन रहा है यहाँ नहीं हम पता क्या कर रहे हैं अभी आपने मैं बाहर देख के बात करूंगी हाँ नहीं नहीं यहाँ बन रहा है आप तीन नंबर कैमरा आपके लिए लगाया गया टीवी बने छह कैमरे हमारे मसला सर ये कि कैमरे छह आगे बस छह कैमरे और ये छह कैमरे वाले जो हैं ये किचन में भी हैं ये गाड़ी में भी एडिट भी यही कर रहा और ये कॉन्सेप्ट भी नहीं गई नहीं यार ऐसी बातें नहीं करो ऐसी बातें नहीं करते नहीं कटिंग इज गुड कटिंग इज गुड कटिंग इज गुड कटिंग यू नो कटिंग वन जीरो मशीन कटिंग इज वेरी गुड कटिंग इज हमने सोचा पोस्ट पे गेस्ट बदल दे ये कैसा ये एक पागल का बच्चा रखा हुआ है ये हमने बंदा रखा है इसको बताओ हमने पागल कैसे किया है भाई सुने इसको पागल कैसे किया है ऐसे कैसे एक साथ 12 महीने की सैलरी देती है पागल पता क्यों हुआ 12 महीने की सैलरी थी उसको पता चला अभी 12 महीने की रहती है उसकी ये देखिए गलत बात है ऐसी आवाजें निकालता अच्छा खैर जब स्क्रिप्ट आपके पास आई ये भी तो चाहिए ये भी तो जरूरी है फेस मेरा स्लिम आ रहा है अरे आपका फेस हाई नहीं रहा जरूर ये बाल दिखा रहे हो आप ये मुझे टेंशन लगी हुई है अच्छा फेस ओके भाई इनका फेस ये मसला मैंने पहली दफा देखा है लेकिन मेरा फेस स्लिम आ रहा है पता क्या करेंगे हम इस एक आदमी सवाल के बीच में था एक सेकंड फेस स्लिम आ रहा है कैमरे पे हम फिश आई लगा देते हैं ये नहीं फिश आई वाला भी मैं शॉर्ट करके आई हूँ ये नहीं वो नैरेटिव का सीन होता है उसको पोस्ट में कर देंगे ना नहीं पोस्ट में इतना कुछ नहीं, नहीं हो सकेगा क्या अच्छा, कोई सवाल कर रहे थे अच्छा भुला दिया सीरियस क्वेश्चन सीरियस बातें कर रहे हैं नहीं बिल्कुल भी सीरियस बातें नहीं कास्टिंग कैसे की आपने काउच पे जवाब देना है काउच पे सोचा मैंने अच्छा बैठे सोच रहे थे हाँ मैंने सोचा अकेले खुद ही बैठ के यूं करके मैं बैठ नहीं नहीं ठीक करके नहीं दिखाना करके नहीं दिखाना सिर्फ जवाब दे दे मैंने नोट किया बात करती फिर आपको मजा भी आता क्योंकि मैं विटी हूँ और मैं फनी भी हूँ यात्रा नहीं है आप प्रिटी भी हैं ओए विटी एंड प्रिटी विटी एंड प्रिटी विटी प्रिटी एंड फनी और बस सलाद रायता था कुछ नहीं बताए ना कास्टिंग कितनी आप पे थोपी गई और कितनी आपने खुद की यार मेरे पे नहीं थोपी गई कास्टिंग ना बिल्कुल भी नहीं ये मेरी प्रोड्यूसर का बेटा इसको ले लें प्रोड्यूसर इनके साथ आजकल घूम रहे हैं तो इनको रखें नहीं ये चाय पिलाई एक तो छह औरतें पूरी करनी औखी हो जाती हैं क्यों क्योंकि बहुत औरतें हमारे यहाँ माशाल्लाह हाँ किरदार बड़े स्पेसिफिक किस्म के थे जिसमें बैठते हुए लोग एक कोई किरदार बता दें ऐसी अब एक प्रोफेशनली नर्स है ठीक है बट मुझे उसका एक बैकग्राउंड भी है ठीक है फिर उसका एक बॉडी टाइप भी है क्योंकि मुझे एक जैसी दिखने वाली खवातीन नहीं चाहिए थी तो मुझे ये जरा लंबी थोड़ी सी तगड़ी लड़की चाहिए थी फिर जो कैरेक्टर है जो कि नॉर्थ से आया हुआ है और जरा थोड़ा मर्दाना किस्म का है वो मुझे पटीट चाहिए थी सो देयर वर वेरी आई हैड वेरी क्लियर स्पेसिफिकेशंस इन माय हेड वेयर आई वांटेड टू विजुअली ब्रेक सम
क्लीशेज. मजे की बात ये है, इंग्लिश वाला जुमला समझ नहीं आया. खैर तो ये बताओ छह खवातीन कौन है जो रखी है? इंग्लिश भी आती है. बताइए छह खवातीन कौन है? उनको अचानक याद आया? नहीं बता सकती अभी रबिया, क्योंकि नहीं अभी नहीं बताया, काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी. हां रहता है, जा सकता है. नहीं ऐसा नहीं है, वादी कभी नहीं बता सकते. नहीं तो बनीता का नाम लेने में क्या मसला है? क्योंकि वो नहीं है बीच में ना. अच्छा नहीं है बीच में, मतलब ड्रामे में नहीं. शूट हो रही है आप लोग? नहीं ड्रामे में नहीं है वो. ड्रामे में नहीं है वो? क्यों? मेरे वाले में नहीं है, और ड्रामों में है. और में भी मतलब आप कह रही है कि बनीता ड्रामा मतलब ये कह रही है कि बनीता ड्रामे कर रही है? नहीं नहीं वो नहीं कर रही ड्रामे. आपने कहा वो ड्रामों में है मेरे साथ. आपने अभी कहा बनीता दूसरे ड्रामों में है, ऐसी कहा ना आपने? हाँ है. तो मतलब वो ड्रामे कर रही है? है. तुम लोगों से ज्यादा ही ड्रामे कर रही होगी वो. हम लोगों से तो ये काट पेन से ज्यादा काम कर रहे हैं. क्या पता आपको. हाँ फिर और कोई सवाल नहीं तुम लोगों के पास? नहीं इसके बाद आपकी हेयर कटिंग है, फिर मैनीक्योर पेडीक्योर? यार हेयर कट की भी जरूरत है मुझे वैसे? क्यों? नहीं नहीं, नहीं, नहीं पोस्ट पे हो जाए. ये शो है द पोस्टमैन शो. द पोस्टमैन शो. द पोस्टमैन शो इज अ वेरी गुड आइडिया. वेरी गुड आइडिया. आइडिया ये इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें, वो वहां चलते हैं. अच्छा शो स्पॉन्सर नहीं होता और आइडिया चलता नहीं है ना? अल्लाह अकबर. कुछ याद है द पोस्टमैन शो होना चाहिए मेरे जी जी होना चाहिए उसमें. तो क्या प्रोसेस है आपका, क्या देखती है उसमें? कैरेक्टर, चैनल, डायरेक्टर, पैसे या पैसे? यार मेरे पास तो पहली सच्ची सी बात कि इतने स्क्रिप्ट नहीं आते. ओके अच्छा इसकी एक सेकंड, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है मुझे लगता है कि डरते हैं लोग आपसे कि इसको कोई अजीब सी चीज दे दी तो बहुत जलील होंगे. नहीं अजीब सी चीज का डर नहीं है उनको. फिर वैसे ही मुझसे लोग थोड़ा डरते हैं. डरते हैं वजह क्या किया? ये आपने इवैल्यूएट कर लिया ऑलरेडी? एमी तो नहीं होगी. किसी को तो इज्जत दी होगी आपने इतनी के इसके बाद डर रहा है. इज्जत का मसला नहीं है. फिर एक तो मेरी आवाज ऐसी सी है. कैसी सी है? जैसी सी है. कैसी सी है? जैसे मैं बोल रही हूँ. कैसे बोल रही है? इसमें है ना कुछ रात प्रोजेक्शन है थोड़ी. क्या है? एमी फालतू की सीरियस सी हो जाती है जब तेरा थोड़ा सीरियस होकर बात करूँ मैं तो उसमें एक वो हो जाता है कि यार वो क्या बहुत ही सीरियस हो गई है. अरे वो क्या है? वो क्यों नहीं बता पा रही दूसरी? नहीं एक ये जो है ये क्या ये सुनने सुना नहीं दे रहा आपकी आवाज है? हाँ ना इसमें है कुछ. क्या है? जबान है आई गेस. फिर जो मेरा एक्सप्रेशन हो जाता है. क्या कैसा? तो आप नॉर्मल एक्सप्रेशन रखिए बिल्कुल. अभी तो सही है आप. हाँ ऐसे यू आर लाइक अ नॉर्मल. ये नहीं पसंद है लोगों को. अच्छा लोग कहते हैं को हंसी मजाक को शुगल मिलाओ. शुगल मिला सेट पे मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ. वो तो अच्छी बात है. नहीं कोई नहीं होना क्या चाहता? सारी अच्छी सही बातें बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेट पे क्या करें? एक सेकंड आवाज अच्छी है. सेट पे ना लोग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं. जैसे मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि मैं जरा सीरियस और बोरिंग हूँ सेट पे. हमें तो ये बोल दिया आपको किसी ने? हाँ फिर क्या हुआ उसके साथ? कुछ भी नहीं. मैंने कहा वो किसी को तो होना पड़ेगा ना सीरियस. तो सीरियस तो मतलब आपकी आवाज़ अच्छी है, आप सीरियस हैं अपने काम को लेके, आप सेट पे ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते, शुगर मिले तो आप सही बुराई कहें. सो आई एम प्रोबेबली नॉट फन टू बी विद एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है कि जिन लोगों से वो मिल रहे हों, जिनके साथ वो काम कर रहे हों, ये काम भी चाहिए होता है उनको. लेकिन अब आपको एक जगह से काम मिल रहा है और बहुत ही बोरिंग सा सीन है. दोबारा कीजिएगा प्लीज. ये दीगा में प्रोमो के लिए चाहिए. ये प्रोमो के लिए चाहिए होता है ना, दो तीन बार दुआ करने. लेकिन एक ये होता है और दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है जो काम भी मुनासिब कर रहा है, लोग भी उसके पीछे हैं. पॉपुलर तो नहीं हूँ ना मैं उस तरह. क्यों? क्यों यार ये तो पूरी बात ही नहीं करने देते. क्यों आपको क्यों लगता है ये वाला मसला? मतलब आप अच्छी खासी पॉपुलर है. मतलब एक होता है और तरह का पॉपुलर. कौन सा वाला? ओ मतलब होता है जो हमें भी नहीं पता. मतलब आप वो नहीं करती, मुझे शर्ट पकड़ के यूं करती है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, फिर ये करें, वो वाली नहीं आप? वो हाँ वैसा इन्फ्लुएंसर नहीं है. कौन सी इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर तो वो मुझ में मेरे ख्याल में वो चस्का नहीं है. अरे भैया आप में चस्का नहीं है? या अपने आप को कुछ ज्यादा जज नहीं कर रही मेरे ख्याल? नहीं नहीं मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मेरे जनरली. अच्छा चलें आप कह रही हैं बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, आपको पता है ना? Like, मेरा फेस ले मारे माली खूबसूरत भाई मेरी शक्ल पे लाना थे. जी मुझे अंदाजा हुआ. मैं आपको बता दूं? नहीं नहीं जी. अच्छा देखिए आपने कहा एक्टिंग वाइज कि मैं एक्टिंग अच्छी कर लेती हूं. वाइज तो मैं उस पे मेहनत करती हूं. अरे भाई सवाल तो पूछने दे. अच्छा 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 ओके ओके ओके. यार होस्ट को सवाल नहीं कर रहे थे ये लोग. पहले डिसाइड करो कैसे खेल रहे हैं आपस में. छोड़ इसको. पहले डिसाइड करो शो का होस्ट कौन है. ये अच्छा 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 अच्छा. अच्छा सुने जैसे आपने कहा कि लोग उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हो, फन टू वर्क विद हो, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह के लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है? यार मुझे थोड़े
मुझे जरा एक तो जहीन लोग पसंद हैं, ठीक है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सही है, क्योंकि उनके साथ कोई गुफ्तगू हो सकती है, वाह, और ये गुफ्तगू भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, स्मॉल टॉक मुझसे होती नहीं है, सही है, मेरे पास इतनी चीजें और गैजेट हैं नहीं जो मैं डिस्कस कर सकूं, सही है, बाहर में ज्यादा खाना खुना खाने जाती नहीं हूँ, सही है, शॉपिंग का सीन नहीं है, ब्रांड्स का पता नहीं होता, I think तो फिर we found out कि आपके पास स्क्रिप्ट क्यों नहीं आ रही, तो ये है एक मसला, तो मतलब नहीं, ऐसा मसला है? बिल्कुल भी नहीं है, इंसान हर तरीके का होता है, आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं, इसमें आपको बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, नहीं नहीं घबरा नहीं रही मैं, जिस तरह आप बता रही है लग रहा है कोई बड़ा मसला है, नहीं नहीं मेरे लिए तो बिल्कुल भी मसला नहीं है, और क्या, हाँ मुझे तो ऐसे मजा आता है, बस हाँ बस, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ओके हूँ, तो ये स्क्रिप्टों का मैं सवाल जवाब दे रही थी, अच्छा तो ये उसका जवाब चल रहा है, हाँ ये लो, बात ही भूल गई, इतने 36 दफा तक तुम लोगों ने बातें अपनी इतनी कर दी, बात ही भूल गई, कहाँ से आप बताएं, हाँ फिर फिर तो ये आई थिंक एक प्रेवलेंट इशू हो सकता है कि फिर बहुत सिलेक्ट लोग ही मेरे साथ खुद भी काम करना चाहते हैं, जो खुद भी जैसे अब काशिफ निसार भी एक बोरिंग आदमी है ना उस तरह, मतलब वो सेट पे अपने आते हैं अपना काम ठक 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 अपना काम करते रहते हैं, उनकी कोशिश होती है 9:30 बजे तक लोग अपने अपने घर जाएं, वो भी अपने घर जाएं अपने बच्चों के साथ डिनर करें, वो उनके कुछ असूल हैं, डिसिप्लिन्ड आदमी हैं वो, 6:30 बजे उठ जाते हैं, वो शूट जल्दी शुरू करते हैं, शूट के बीच में टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इस टाइप के लोगों को मैं समझ आ जाती हूँ, मतलब जो काम करने आए इंडस्ट्री हाँ, में काम कर रहे हैं, अपना सीन किया अंदर गए फटाफट चेंज किया सीन पड़ा क्विकली रेडी, वो नहीं पसंद जो सीन के बीच में कहते हैं एक मिनट में शाउट आउट देके आया, वो नहीं समझ आ रहा यार, मैं तो शायद शुक्र है अच्छा ही है कि मैं ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि अगर मेरे साथ तो कोई सीन में ऐसे करे तो मैं तो जा चुकी होंगी फिर, अगर सीन रेडी होने वाला जो है और अब हमने सीन करना है और मुझे कोई कहे कि अच्छा नहीं अभी हम सीन नहीं कर रहे हैं, मैं शाउट आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि जब आप मुझे फील हुआ ही इज अ पास्ट अवे, काटो घर जाओ, काटो फिर हाँ घर जाओ, वरना मैं रीशूट कर लो मेरा काम किसी और के साथ, पोस्ट पे कर लो, तो तीन होता आज वक्त है जी ब्रेक का, मुझे लगता है ये भी बहुत पहले हो चुका था लेकिन हम भूल गए कि ब्रेक भी लेना होता है, ओ ये कट जाएगी अभी सारी बातें, काटता नहीं है टीवी बंद किसी को कुछ नहीं, जितनी ड्यूरेशन दो इसकी हम दो तीन किस्से भी कर सकते हैं, हां बिल्कुल है ना, और क्या कर लेते हैं ना, ठीक है हम शो से सीरियल बना सकते हैं करते रहो, उनके साथ मौजूद है यासरा रिजवी और हम खेलने लगे दिस और दैट, मजेदार 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 मजेदार, ये खास लेकिन इंस्ट्रक्शन है, ये डांस करना होगा शुरू में, नहीं 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 ये जब भी म्यूजिक बजता है हम करते हैं, करके बजाओ भाई, ये हम हमारे कंट्रोल से बाहर है, मर गए बैंड मर गए, क्या हुआ आप भी कर सकती है, 1 2 3 go, but this is truly truly show business, आपको अच्छा लगा ये हम कर रहे हैं, इट्स वेरी एनर्जेटिक, हम क्यों पागल होगा बेटा, एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए और ये बहुत ये अरे ये हम पूरा दिन कर सकते हैं, बजाओ बजाओ तो ये बात कर सकती हैं, इसका गेम बताऊं क्या है, ये मैं समझ गई, ये तुम लोग मेरा ये अब ये 22 मिनट का बदला ले रहे हो, टाइम खा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये हम पूरा करेंगे, अपनी तरफ कर रहे हो तुम, मैं आपको आसानी बता रहा हूं, मतलब करना क्या होता है एंड में बस यहां खत्म करना है, ये आप भी कर सकती हैं, बजाओ बजाओ भाई, देखा कितना आसान है, सब कर सकते हैं, हां जी उसके दो जवाब होंगे, आपने एक ही जवाब देना है, डिप्लोमेसी तो खैर बोलने की जरूरत नहीं, आप करेंगे नहीं, जब हम आपसे कहेंगे तो आप जस्टिफाई करेंगे कि आपने जवाब क्यों दिया, ये आप मल्टीपल चॉइस के साथ ऐसे क्वेश्चन भी तुम लोगों ने डाल दिए, मैट्रिक बदल दें, आप बोले तो बदल नहीं, सही शुरू करो भाई, हाँ जी, फिल्म या टीवी,
टीवी टीवी या थिएटर थिएटर सीरियस कैरेक्टर्स या फिर कॉमिक कैरेक्टर्स कॉमिक कैरेक्टर वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े वेस्टर्न कपड़े राइटिंग या फिर रीडिंग राइटिंग 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 रीडिंग में इतना मजा नहीं आता राइटिंग में ज्यादा मजा रीडिंग बचपन टीनेज में बहुत ज्यादा कर ली और उसके बाद देन फ्रॉम बीइंग वेल रेड आई वांटेड टू शिफ्ट टू बीइंग वेल मेट क्या मतलब जरा समझा देंगे अगर नहीं नहीं सबको पता मतलब अच्छा मैं आपको बताऊं आप वो पढ़ती हैं ना दिखा भी सकता हूँ आपकी जितनी अच्छी नज़में होती है ना ये इंसान मुझे भेजता है और मैं देखता हूँ और मैं कहता हूँ ये क्लास चेक करो उसमें इसमें इसमें कोई दूसरी बात नहीं है चले यही बोलना था मैं बहुत खुश हुई हूँ ये सुन के झूठ अच्छा जी सुन के झूठ नहीं नहीं सच बात है अच्छा जी एक्टिंग या डायरेक्शन इट्स अ वेरी हॉट क्वेश्चन डायरेक्शन बिकॉज देयर इज मोर क्रिएटिव कंट्रोल देयर और मेरे दिमाग को ज्यादा ऑक्यूपाई करती है आप ये कह रही हैं कि एक्टिंग में क्रिएटिव कंट्रोल नहीं मिलता आपको बिल्कुल भी कम में होता है ना आपके पास आपको ये तो नहीं आपके पास राइट कि आप कहां कौन सा म्यूजिक लगाएंगे सीन को कैसे डिजाइन करेंगे वो तो लिमिटेड आप हो जाते हैं ना ओके लिमिटेड वेरी गुड आसिम अब्बासी या फिर काशिफ निसार ओ भैंस ओला भैंस भी आई है हालांकि बकरा इस पे काटी थी मैंने भैंस इज अ गुड हां जी बताइए आसिम अब्बासी या काशिफ निसार बोथ ऑफ देम नहीं बोथ ऑफ देम इज नॉट जवाब एक है बोथ ऑफ देम चूज द वन बेस्ट आंसर चूज द बेस्ट डायरेक्टर बोथ ऑफ देम नहीं एक देना पड़ेगा आपको ओनली ओनली टू ऑफ देम बट बोथ ऑफ देम वाह भाई क्या बोथ ऑफ देम ओनली टू ऑफ देम बट बोथ ऑफ देम मतलब सिर्फ ये दोनों हैं लेकिन कैन बी बट देयर आर टू ऑफ देम एंड ओनली बोथ ऑफ देम है ना वेरी डिफरेंट फ्लेवर्स बट जो कॉमनलिटी है जो कि मुझे पसंद है जिस जो व्हिच मेक्स मी रिस्पेक्ट द डायरेक्टर इज दैट बेसिक एस्थेटिक एंड इंटेलेक्ट ये शो अब HBO पे चलेगा अच्छा आपने करना ये शो के बाद हमें समझा के जाना क्या क्या सारी बातें हम नोट कर रहे हैं ताकि हम पोस्ट पे संभाल लें ठीक है हम टाइम कोड पे नोट कर रहे हैं कहां मैं भाई एक जवाब देना है आपको आदि आदिबासी या काशिफ निसार काशिफ निसार से पूछो आसिम अब्बासी या काशिफ निसार आसिम अब्बासी या काशिफ निसार दोनों कर दिया ना आपने बता दोनों चलो कोई बात नहीं अच्छा ये बताएं हां कि फ्रेंच फ्राइज पसंद है या पैकेट वाले चिप्स चिप्स फ्रेंच फ्राइज मीठी पूरी या खट्टी पूरी मीठी पूरी ये बताए दोस्तों के साथ बाहर घूमना या घर पे बैठ के चिलिंग करना घर पे बैठ के चिलिंग ऑलवेज समंदर पसंद है या पहाड़ समंदर वेरी गुड यमुना जैदी या फिर इकरा अजीज यमुना जैदी ऑल द वे के पास बहुत रेंज है बहुत रेंज है मोबाइल की नहीं नहीं शूटिंग रेंज यमुना जैदी ये तुम लोगों ने दूसरा भी एक मैंने शो किया था वहां से तुमने सवाल चुराए खुदा की कसम अगर ऐसा हुआ हो तो हमारा इंटरनेट इतना तेज ही नहीं है हद हो गई यार नहीं भाई अब क्या हर चीज में नहीं होगा आपके साथ यार बोथ है ना व्हाट इज दिस बिहेवियर बोथ व्हाट इज दिस बिहेवियर नहीं आपको एक जवाब देना पड़ेगा प्लीज बोथ नहीं अच्छा चलें नहीं बताएं क्यों यार तो ये बहुत इजी हो रहा है क्रिएटिव इंडिपेंडेंस दे दो उनको यार ये आदमी ये सही बहुत आगे जाएगा अच्छा ये बताए दांत में से बोटी निकालनी हो तो नाखून के कोने से निकालती है या टूथपिक लगाती हूं नाखून का कोना सही है ओके वेरी गुड चुड़ैल्स या फिर दिल ना उम्मीद तो नहीं अब बोले भैंस तो बोले पहले चुड़ैल्स अच्छा चुड़ैल हो गए डी वन आई भी ना ठीक है अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स मैंने तो आज स्टिकर किसी ने बुलाया ही नहीं मैंने तो देखे नहीं है कैसे होते हैं कैसे बता वेलकम माय फ्रेंड हां मैं फीलिंग इज म्यूचुअल नहीं तो टीवी पे तो देखे होंगे अवार्ड्स नहीं पर टीवी पे भी नहीं देखती आपको लगता है टीवी देखती हूं इंस्टा पे गुजरते ऐसे ही क्लिपें जो थोड़ी शेयर होती है क्लिपें सही है वो इट्स नॉट माय गिग ऐसा तो नहीं आपके पास वो लंबे वाले फ्रॉक नहीं है नहीं है ना गरीब लंबे फ्रॉक नहीं है मेरे पास लंबे फ्रॉक नहीं असल में मसला ये वरना इनको अवार्ड्स पसंद है
हाँ, अगर मुझे कोई बुला ले तो मैं जाऊंगी, जाहिर है। ये तो नहीं है कि मैं घर बैठा हूँ, मुझे लगता है उनको भी पता है। आमिर खान नहीं हूँ मैं इतनी अपने आप को। लेकिन आप लंबे फ्रॉक पहन के जाएंगी फिर? तब नहीं, मैं लंबे फ्रॉक नहीं पहन के जाऊंगी, वो मेरे से मैं गिरी पड़ी होंगी कहीं। मैं कोई ऐसा मुनासिब सा कर लूंगी जो मेरे से, मतलब मैं कैरी भी कर। जीन टी शर्ट? जीन टी शर्ट तो अवार्ड फंक्शन है, थोड़ा सा तो बंदे को तैयार होकर जाना चाहिए। वैसे ये फ्रॉक देख के ऐसा नहीं लगता है जैसे गल्फ वे में पठानी कपड़े की दुकान में खड़े होते, बीच में से निकलते हैं। यार ये बहुत, लेकिन ये रेड कार्पेट फैशन है दुनिया का, जो पहन सकते हैं उनको। सौ बिस्मिल्लाह जी, सौ बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। फैसल कुरैशी या नुमान एजाज? ओ तीसरी भैंस। नहीं नहीं आई नहीं, भैंस नहीं आ रही, इट्स अ नॉर्मल मैटर। अब भैंस नहीं आ रही जी। यार यार ये किस लिए चूज कर रही हूँ मैं, मुद्दा क्या है? आपने कमेटी डालनी है। कमेटी डाल भाई, आप से जवाब दें जनरली, फैसल कुरैशी के नुमान एजाज? फैसल कुरैशी या नुमान एजाज? यार फैसल कुरैशी ने तो आते रहने बहुत ही यंग हीरोइनों के साथ, तो नुमान एजाज ही मेरे ख्याल में मेरे लिए बेहतर चॉइस। हमने तो ये कहा नहीं कि आपके लिए बेहतर चॉइस। नहीं, ओवरऑल ये हिसाब से बात हो रही है, ओवरऑल नहीं कराते। नहीं नहीं, आप आगे बढ़ो। अच्छा ये बात है, चाहे पठान वाली दूधपति या टी बैग वाली? टी बैग। ओहो क्यों भाई? नहीं मैंने दूध वाली चाय नहीं पसंद। क्यों? बट इट्स नहीं पसंद, मिल्क, इट्स नॉट टी। नहीं पसंद यार, नहीं पसंद। टी नहीं रहती हो फिर, दूधपति बन जाती है। ठीक है, ये भी सही है, वेरी गुड। अच्छा ये बता, रेस्टोरेंटो में जाके खाना खाना, रेस्टोरेंटो या ठेलों पे खाना खाना? रेस्टोरेंटो। एक तो ये कि बाहर जाके नहीं खाना, घर में ही खा लें। वेरी गुड। और लेकिन ठेला इज गुड फॉर मी, ठेला इज कूल। हाँ मैं इधर लकड़ पत्थर हजम हूँ, कहीं से भी खाना खा। ठीक है, मजेदार मजेदार, मजे मजे मजेदार, मजेदार मजेदार, मजेदार शो।